हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम सेट टू से ग्रामेटिकल क्वेश्चन हम डाले हैं जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पर आधारित है। तो इसी का 13 यानी 13 क्वेश्चन नंबर 13 से हम चल रहे हैं। 12 तक हो गया था, 13 से देखते हैं। द बकेट ऑफ फ्लावर्स डॉट डॉट फेडेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाव डालना है, तो ऐसे आपको बताए थे कि जब दो सब्जेक्ट को हम ऑफ से जोड़ते हैं तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार भाव आता है। यहाँ तो द बकेट सिंगुलर है, तो द बकेट ऑफ फ्लावर्स हैज फेडेड, ऑप्शन नंबर ए हैज फेडेड, मुरझा गया है। ही क्लाइम्ड द लैडर, यहाँ तो अप होना चाहिए। ही क्लाइम्ड अप द लेडर का एट भी देता है, तो ही क्लाइम्ड अप द लेडर या ही क्लाइम्ड एट द लेडर, और सीढ़ी पर चढ़ा। कभी कभी ऑन भी आता है, तो इस क्वेश्चन को हम क्लियर कर देंगे। आगे देखिए, ही लेफ्ट दिल्ली दिस मॉर्निंग, सुटेबल प्रीपोजिशन चूज करना है। तो ही लेफ्ट फॉर दिल्ली दिस मॉर्निंग, वो आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुआ या चला। द लेफ्ट फॉर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, वो मुंबई के लिए पहले ही छोड़ चुका है या जा चुका है, मैंने चल चुका है। तो यहाँ ही इज ऑलरेडी, ये तो होगा नहीं। हैज यानी ऑलरेडी आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में वाक्य जाता है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बच्चों। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई हैव होमवर्क टू डू, आई हैव तो ये होगा नहीं, आई विल हैज ये भी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आई हैव होमवर्क टू डू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुझे होमवर्क है करने के लिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस सुनना है। मिस्टर सिन्हा इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो आई तो होगा नहीं। यहाँ क्वेश्चन है, डॉक्टर सिन्हा इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो आई तो होगा नहीं। डॉक्टर सिन्हा इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यहाँ आर्टिकल ही नहीं है। डॉक्टर सिन्हा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हम लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सिन्हा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम, मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूँ लेकिन राम नहीं बोलता है, तो बट राम डजंट, राम सिंगल हो गया तो डजंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डॉट इंग्लिश आर यू लर्निंग, डू यू लर्न, हैव यू बी लर्निंग और यू लर्न, देख लेंगे। यहाँ तो क्वेश्चन ऑप्शन में नन ऑफ दीज है नहीं, लेकिन ऐसे ज़्यादा सुटेबल होता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी मानते, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वेन इट रेंट सी, जब बारिश हुई, सी डॉट एन अम्ब्रेला, तो सी वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला, जब बारिश हुई तो वेन, या ऐसा हो दोनों एक ही में हो तो दोनों एक ही टेंस में हो और वेन से शुरू होता, तो अक्सर हम एक को हम पास्ट कंटिन्यूअस में रख देते हैं, जब अगर पास्ट में हुआ तो वेन इट रेंड सी वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वेन श्याम बैक ही विल फिनिश द वर्क, जब श्याम लौटेगा तो काम समाप्त कर देगा, तो वेन श्याम कम्स बैक, हम बताए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, एक ही वाक्य में दो बार गा के आता है, दो कंडीशनल होता है, कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होता है, तो सिंपल फ्यूचर रहती है तो कंडीशनल में सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, तो कम्स। अगला क्वेश्चन बच्चों, वुड यू माइंड पेइंग द बिल, वुड यू माइंड के बाद अक्सर हम ING फॉर्म में हम डालते हैं वर्ब को, यहाँ टू पे भी है और पेइंग भी है, तो यहाँ वुड यू माइंड पेइंग द बिल प्लीज, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देंगे बच्चों। कभी कभी होता है वुड यू माइंड टू पे, अगर टू दे देते तो भी वन हो जाता है, लेकिन यहाँ पेइंग देंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही आस्क्ड हर वेदर सी वॉज कमिंग, ही टोल्ड हर इफ सी इज, तो ये होगा नहीं। ही आस्क्ड हर इफ सी वॉज कमिंग, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट ब्यूटीफुल सीनरी इज,
कितना सुंदर दृश्य है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इज होना चाहिए, तो व्हाट ए ऑप्शन नंबर बी, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इट। विल यू गो टू डॉट स्टेशन टुडे, क्या तुम आज स्टेशन जाओगे, तो विल यू गो टू द स्टेशन टुडे, गो टू द ऑप्शन नंबर सी द होगा। तो बच्चों आज फिर 13 क्वेश्चन हम किए हैं, तो इसको ध्यान से देख लेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।